इमाम और बाबर ना थोड़े अलग तरह के प्लेयर हैं। बाबर के दो मैचों में रन नहीं आए, क्या ये अच्छी खबर है या ये बुरी खबर है? भाई कभी तो वो रन बनाएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं इंडिया के मैच से। सो बहुत सारी ऐसी चीजें आमने सामने आप रखें, बट जो पाकिस्तान की ताकत क्या है, उनकी ताकत है उनकी गेंदबाजी, और गेंदबाजी समाओ उनकी धार नजर नहीं आई, धार नहीं आई। सो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान तैयारी उसकी है। मैन टू मैन अगर आप देखें, इंडिया जबरदस्त टीम है, लेकिन पाकिस्तान के पास एबिलिटी है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के दो नए लड़कों ने आके जो रन बनाए, मोहम्मद रिजवान ने जो बैटिंग की है, इफ्तिकार नीचे आके जो बैटिंग करते हैं, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की कमजोरी को थोड़ा सा बेहतर करती है, यानी कि ताकत तो नहीं मैं कहूंगा, लेकिन थोड़ा सा उसको टेपर करती है। अभी भी उनकी दिक्कत है इमाम, उनकी दिक्कत है बाबर, लेकिन ये ना भूलें कि बाबर आजम वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, उनके दो फेलियर्स हो गए हैं, और बड़ा प्लेयर ज्यादा देर खामोश नहीं रहता। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान अहमदाबाद में मुकाबला, और बाबर भी इस बात को जानते हैं कि अगर पाकिस्तान उस मैच में अच्छा करता, अगर वो अपसेट करता है इंडिया को, मैं उसको अपसेट मानूंगा, तो भाई फिर उनका वर्ल्ड कप कैंपेन जो है उसको व्हील्स मिल जाते हैं। लेकिन जिस तरह भारत खेल रहा है, स्पेशली पिछले एक महीने में जो भारत ने प्रोग्रेस किया है, फिल इन द ब्लैंक्स सारे ठीक ठाक कर लिए हैं, ये सब जानते हैं कि भाई जो मर्जी आप कहें, आप तैयारी कर रहे हैं ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि आगे आने वाले मैचों की भी। लेकिन पाकिस्तान को दिक्कत यह है कि शाहीन अफरीदी ने अभी तक वो बॉल नहीं डाला है। यस, जब आपके पास तजुर्बा हो, जब आपके पास एबिलिटी हो, एक अच्छा मैच, दो अच्छी गेंदें, ये हम भी जानते हैं कि भारत की दिक्कत, रोहित शर्मा की दिक्कत है नया गेंद। और मेरा ये मानना है कि अगर रोहित शर्मा पाकिस्तान के खिलाफ 4-6 ओवर सर्वाइव कर गए तो फिर फैंटी वहां पे लगेगी लगेगी। क्यों? क्योंकि नया गेंद जब होता है, जो बॉल अंदर आता है, भले वो राइट आर्म सीमर का हो या लेफ्ट आर्म का हो, उनका पैर शुरू में इतना चलता नहीं है, वो रिस्क रहता है। अगर वो नया गेंद, जैसे मैंने कहा, 4-6 ओवर सर्वाइव करते हैं, तो भाई उसके बाद रोहित को रोकना भी मुश्किल होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये भारत की टीम स्लगिश नहीं दिख रही है। जब आप टूर्नामेंट का आगाज इस तरह से करते हैं, पाकिस्तान भी दो मैच जीता है, इंडिया भी दो मैच जीता है, दोनों आमने सामने होंगे, तो आपको मालूम होता है कि यार इनिशियल आधा घंटा जो है मैच का, वही कंट्रोल करना है। तो भारत और पाकिस्तान की तैयारी है, भारत और पाकिस्तान की तैयारी है, भारत और पाकिस्तान की हमारी भी तैयारी है, दोनों टीमों ने तैयारी भी की है। रिजवान ने भी उस दिन बड़ी अच्छी बैटिंग की, और शाहीन अफरीदी के चेहरे पे वो आपको दिख भी रहा है, थकान कहें या बर्डन कहें, बर्डन कहें। हसन अली ने हालांकि, देखिए एक बात है, हसन अली ये तजुर्बा है ना, एक दो मैच के बाद हसन अली इज गॉट यूज्ड टू इट, वो आके उन्होंने विकेट भी ली है। हसन अली इज अ स्किडी बॉलर, बट आई थिंक अब बड़ी बात ये भी आ जाएगी कि इंडिया अहमदाबाद में किस तरह के सरफेस पे खेलना पसंद करें। भाई क्या वो चेन्नई की तरह होगा? नहीं। क्या वो दिल्ली की तरह होगा? नहीं। अहमदाबाद में अच्छा विकेट मिलता है, थोड़ा बाउंस अतिरिक्त होता है, बड़ा ग्राउंड भी है, गर्मी भी ज्यादा है, और क्योंकि हैदराबाद से पाकिस्तान की टीम गई है अहमदाबाद, ये उनके लिए पहला वेन्यू स्विच है, जिसका जिक्र जो है शादाब ने वहां पर किया था कि एक चैलेंज ये रहेगा कि जब आप डिफरेंट डिफरेंट वेन्यूज पर जाकर ट्रेवल करोगे तो अलग अलग, वहां पर तो उन्होंने बता दिया था कि यार ये तो हमें ऐसा लगा कि रावलपिंडी वाला मामला और फ्लैट विकेट, छोटी बाउंड्री और पिटाई चल रही है, पर अब यहां पर एक अलग चैलेंज है अहमदाबाद, और वो एक कहीं ना कहीं ऐसे क्राउड के सामने तो नहीं खेले ना कभी पाकिस्तान के क्रिकेटर्स, कभी नहीं खेले, और अब थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है उनके लिए सर कि उनका कोई फैन एक तरीके से वहां पर नहीं हुआ, क्योंकि वीजाज वगैरह भी अप्रूव नहीं हुए। तो ये क्या एक किस तरीके से आप देखेंगे, कभी कभी जब इतना ज्यादा सपोर्ट एक इंडियन टीम के पास होगा तो कहीं भी दुनिया में खेलते हुए रहते हैं। दो बातें हैं, कितना फैक्टर, सपोर्ट बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है सपोर्ट। 1,35,000 लोग और पाकिस्तान के 50 लोग होंगे ज्यादा से ज्यादा, अब उनके मीडिया के 20-22 लोगों को शायद वीजा मिला है, उसके अलावा 8-10 और मेहमान होंगे, प्लेयर्स होंगे, आसान नहीं होता। लेकिन इन दो हफ्तों में पाकिस्तान ये भी समझ गया होगा कि इंडिया दुश्मन कंट्री नहीं है, जो अगेन एक धारणा बन जाती है इंडिया में भी, जिन लोगों ने पाकिस्तान जाके देखा नहीं है उनको भी लगता होगा दुश्मन कंट्री, ऐसा नहीं है, लोग तो ठीक ही है यार, आप भी पाकिस्तान के प्लेयर को मिले, पाकिस्तान के लोग इंडिया के प्लेयरों को, देखो विराट को कितना प्यार करते हैं। बिल्कुल। तो द ओनली थिंग इज कि पाकिस्तान विल बी अंडरडॉग्स, बट क्या वो एंटीसिपेशन, मैं और आप ये शो कर रहे हैं, हजारों ऐसे शो हम कल भी करेंगे, परसों भी करेंगे, करते ही रहेंगे, जीतेगा जीतेगा, क्या ये जो श्रिल जीतेगा नारा जो है ये प्लेयरों को डर तो नहीं डाल देगा? बस मुझे इस चीज का डर कि यार हारना नहीं है हमने, एक होता जीतना है, एक आपके माइंड में आता है यार हार नहीं सकते यार इनसे,
बस वहीं पर है सारी गेम जीतनी और सारी गेम हारनी। और जय भाई, इस मुकाबले का जैसे भी हम बात करते हैं कि विकेट कैसा होगा, थोड़ा सा अगर ग्रिप रहेगा तो बेहतर रहेगा इंडियन टीम के लिहाज से, बट एक बड़ा एक कॉन्टेक्स्ट इन टर्म्स ऑफ ये भी है कि बाबर आजम, उनको अभी बताना बाकी है। ठीक है, वो आ गए हैं, कैप्टन्स इवेंट पर गए हैं, कप्तानी करी है, मैदान पर दिखे हैं, बट जिसे हम कहते हैं कि बाबर आजम इस वर्ल्ड कप में अभी आए नहीं है, और ये इंडिया मैच ऐसा भी दिखे है। नहीं है, मैं वही कह रहा हूँ कि इंडिया मैच ऐसा है जहां पर आप अपनी प्रेजेंस कराओ ना महसूस, पर उनके सामने होगा ये कुलदीप यादव वाला फैक्टर कि कुलदीप के अगेंस्ट उनका रिकॉर्ड जो है बहुत खराब है, साधारण से, बहुत ज्यादा नहीं खेले पर एक बहुत साधारण है, जहां पर रीड करने में बड़ी दिक्कत रही। और स्पिन के अगेंस्ट हमने इसमें भी देखा है, आउट हुए हैं स्पिन के अगेंस्ट, और लगातार एक स्पिन उनके लिए परेशानी बन रही, क्योंकि बल्ले पर बॉल आना, पेस उनको पसंद आता है, रास आता है जिस तरीके के अपराइट वो बैटिंग करते हैं, तो वो कैसे देख रहे हैं आपकी बाबर आजम पर सिर्फ बतौर कप्तान ही बतौर बल्लेबाज भी प्रेशर है? मतलब वही चीज़ है कि रन नहीं आते हैं तो कोई भी बल्लेबाज प्रेशर में रहता है, और प्लस बाबर के साथ ये चीज़ है कि भाई इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला होगा, अब इस मुकाबले में सबकी नजरें रहती है, आप रन बना के भी शायद क्रिटिसाइज हो सकते हैं अगर उस पेस पे ना बनाए तो रन बनाना एक तो जरूरी है, प्लस हम बात कर रहे हैं कि कुलदीप के अगेंस्ट उनका रिकॉर्ड है, भाई कुलदीप से पहले उनको बुमराह को फेस करना पड़ेगा, सिराज को फेस करना पड़ेगा, बाकी गेंदबाज भी अच्छी फॉर्म में है, तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि मतलब बाबर के लिए एक बड़ा चैलेंजिंग मैच होने वाला है ये, अगर इस मुकाबले में वो परफॉर्म करते हैं तो फिर वो जो जिस क्लास की बात होती है सर, एक चीज बस ये, हालांकि ये एक सब प्लॉट है, ये मेन प्लॉट नहीं है, बट सब प्लॉट ये है कि आमतौर पर अगर कप्तान ने रन बनाए हो उसकी कप्तानी में वो अग्रेशन दिखता है, अगर कप्तान ने रन ना बनाए हो तो कभी कभी क्या होता है, आप जब कप्तानी कर रहे होते हैं तो आप अपने रनों के बारे में सोच रहे होते हैं एंड देन यू आर प्री ऑक्यूपाइड एंड यू कुड गो ऑन द बैक फुट। ये रोहित ने 100 बना दिया तो वो कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे, पहले मैच में उनका भी 0 ही था। बाबर के अनएक्सपेक्टेड दो फेलियर हो गए, बड़े दो कमजोर टीमें, मतलब ऐसा नहीं कि कोई नो डिसरिस्पेक्ट, तो वो जब अहमदाबाद पहुंचेंगे, हालांकि देखो ये ना हम मीडिया और फैंस का सोचना अलग होता है, जो प्लेयर होता है उनका सोचना अलग होता है, आप अच्छे से बहुत अच्छे से ग्रेट प्लेयर ट्रांजिशन कैसे करते हैं वो आपकी मेंटल प्रिपरेशन और आपकी गेम सेंस है। कहते हैं कि जो बड़े प्लेयर ऐसे हैं वो अपनी फेलियर के बारे में नहीं सोचते, तो हमें नहीं पता वो किस माइंडसेट के साथ जाएंगे, बट बाबर को मैंने एक चीज जरूर देखी है उनकी कप्तानी में, ऊपर से विकेट नहीं मिलती तो बीच में ना वो थोड़े से डिफेंसिव हो जाते हैं, एंड द मोमेंट कप्तान डिफेंसिव हो जाए, गवाच जाए, और फिर आपके पास स्पिनर भी ऐसे हो जो आके बीच में विकेट नहीं ले रहे हैं, फिर आप फंसोगे। पाकिस्तान ने दोनों मैचों में एंड के ओवरों में फिर भी बॉल डाल लिया, पर बीच के ओवर और ऊपर वाले ओवर भी तो करने हैं, तो मैं ये मानता हूं अगर इंडिया दिन में बैटिंग करता है तो शायद 4-5 ओवर जो स्विंग होगा बॉल, और अगर आप लाइट्स में बैटिंग करते हो तो शायद 7-8 ओवर, अगर 6-7 ओवर इंडिया ने निकाल दिए नई बॉल पे आउट नहीं हुआ, यार आप जानते हो कि रोहित ये सब ये क्या कर सकते। बट सर चैनल पे अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें।